दोस्तों तो काफ़ी सारे दोस्त हैं मेरे जो ये पूछ रहे थे कि यार अगर हमने कोरोना वैक्सीन लगवा ली तो हमारी मर्दाना कमजोरी में क्या असर पड़ेगा और क्या ये सच्ची खबर है या फेक खबर है। तो देखें, जहाँ तक हमने ये सर्च किया है या चेक किया है, जहाँ से हमें पता चला है, उसी हिसाब से मैं आज आपको बताऊँगा कि देखिए, कोरोना वैक्सीन दो तरह की वैक्सीन है ना। एक वैक्सीन वो है जो 23 दिन के बाद लगती है, जैसे आज लगी, आज के बाद 23 दिन के बाद लगती है दोबारा। और दूसरी वैक्सीन ये है कि अगर आपको आज लगेगी तो वो 26 दिन के बाद लगेगी। मगर 10,000 यानी कि आवाम अमेरिका की जो है उन्होंने लगवाई है, तो 10,000 में से 1,200 केस आए हैं, ऐसे 1,200 केस आए हैं ऐसे जिनमें ये असरात पाया गया है कि उनकी मर्दाना कमज़ोरी कम हो गई। तो उसी हिसाब से उन्होंने तकरीबन 765 जो है बंदे वो ठीक कर दिए हैं, और 200 कुछ बंदे जो हैं वो सीरियस हालत में एडमिट हुए थे, और उसके अलावा काफ़ी जो बंदे हैं अभी और आहिस्ता आहिस्ता से निकल रहे हैं। मगर ये थी एक अमेरिका की रिपोर्ट। अब पाकिस्तान के हिसाब से हम आज बात करते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक मीडिया पे इस तरह की कोई शो बात नहीं आई कि चलो यार ये इसके हिसाब से यानी कि ये कैस हुआ है या मर्दाना कमज़ोरी के हिसाब से कैस हुआ है। मगर इस बात से ये पता चलता है, जो अमेरिका की रिपोर्ट है उस हिसाब से ये पता चलता है कि इसमें थोड़े बहुत असरात ऐसे हैं जो नुकसान देंगे। तो लिहाजा अगर आपकी उम्र 23 साल से ज़्यादा है, ये ज़्यादातर नुकसान उनको दे रही है जिसकी उम्र जो है ना 30 साल से ज़्यादा है। जो 30 साल से कम है फिर भी वो कुछ सेट हैं, जो 30 साल से ज़्यादा हैं उन पे ये थोड़ा ज़्यादा अटैक कर रही है। तो उम्मीद है ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा शेयर कर दें आपसे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।